वर्तमान में मिनिस्टर हैं ओपीएस भदौरिया जी, आपको लगता है कि उनका टिकट कटेगा और आपको मिल सकता है? आप ओपीएस भदौरिया के विकास से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। फिर क्यों टिकट कट सकता है, क्या कारण हो सकते हैं कि उनका टिकट कटेगा? नहीं, ये जो महंगाओं और गोरमी के इलाके के लोगों को टिकट मिला है, इससे रोहन क्षेत्र का जो पुराना एरिया है अमायन और रोहन सर्किल, इससे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला। लोगों को मिल रही, सिलेंडर मिल रहा है सस्ता। सस्ता कहाँ मिल रहा है, 1200 रुपये का मिल रहा है। सस्ता हो जाएगा, कब मिलेगा? मिलेगा चुनाव के बाद मिलेगा। जनता कह रही है चुनाव के पहले मिलना चाहिए, आप चुनाव के बाद में? नहीं नहीं, चुनाव के बाद झूठी घोषणा नहीं होती, चुनाव के बाद मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप कुछ तो उठाएंगे? पक्का उठाएंगे, मैं दिलाऊंगा अभी। क्वेश्चन तो उठाने की बात दूर रही, मैं कहना सस्ता दिलाऊंगा सिलेंडर। तो ऐसी स्थानीय होगा, बाहर का कोई नहीं आएगा। ये आप कैसे कह सकते? नहीं, हमें मालूम है ना, पार्टी में अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय महंगाओं विधानसभा क्षेत्र को लेकर आज चर्चा करेंगे, और महंगाओं विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह जी से बात करेंगे, जिनके पिता पूर्व मिनिस्टर रहे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। और स्वागत है हमारे चैनल जी। नमस्कार राजा भैया जी। अवधेश प्रताप सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, महंगाओं विधानसभा क्षेत्र में लोगों से चर्चा में आया है, तो आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही? देखो, राजनीतिक पृष्ठभूमि, हमारे पिताजी शुरू में संघ से जुड़े रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भंड के जिलाध्यक्ष रहे। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पटवा जी मुख्यमंत्री थे, उसमें स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और उसमें एमपी छत्तीसगढ़ पूरा एक ही होता था। उसके बाद 1993 से 1998 तक विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी उस समय। आपकी क्या राजनीतिक उपलब्धि? मेरी राजनीतिक उपलब्धि है, हम अपने पिताजी के साथ हमेशा क्षेत्र में समय देते थे उनके साथ, और हमारे पिताजी 2020 में शांत हो गए थे। उसके बाद जब से मैं क्षेत्र में सक्रिय हूँ, लोगों के सुख दुख में हमेशा जाता रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। अभी हम जिला पंचायत सदस्य पिछले साल चुने गए हैं अमायन वाले 17 नंबर वार्ड से, और अभी क्षेत्र में हमेशा लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। उनकी छोटी मोटी समस्याएँ होती हैं, उन सबको मैं हमेशा मतलब अधिकारियों के माध्यम से लोगों के साथ ले जाके पूरी करवाता हूँ। स्थिति में अवधेश प्रताप सिंह जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, वर्तमान में मिनिस्टर हैं ओपीएस भदौरिया जी, आपको लगता है कि उनका टिकट कटेगा और आपको मिल सकता है? नहीं नहीं, पार्टी देखो, पार्टी जो तय करेगी वो होगा, टिकट कटना और ना कटना जी तो संगठन के हाथ में, वो संगठन जिसको चाहेगा उसको टिकट देगा, जो ना मेरे हाथ में ना किसी पार्टी वाले ऊपर निर्णय करेंगे, वही निर्णय सर्वमान है। आप ओपीएस भदौरिया के विकास से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। फिर क्यों टिकट कट सकता है, क्या कारण हो सकते हैं कि उनका टिकट कटेगा? नहीं, ये टिकट अभी भाजपा में तो कोई ऐसी चर्चा करनी है, विरोधी पार्टी के लोग इस तरह की चर्चाएं फैला रहे हैं वो जी। तो आप दावेदारी किस बेस पर कर रहे हैं? मैं दावेदारी तो भाई क्षेत्र में जो मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, क्षेत्र की जनता हमारी मांग कर रही है, इसलिए मैं दावेदारी कर रहा हूँ। हमारे पिताजी मांग करते रहे पहले, और हमेशा क्या हुआ, अभी तक जो महंगाओं और गोरमी के इलाके के लोगों को टिकट मिला है, इससे रोहन क्षेत्र का जो पुराना एरिया है अमायन और रोहन सर्किल, इससे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला अभी तक, किसी दोनों पार्टियों, कांग्रेस या भाजपा कोई पार्टी हो, इन लोगों ने इसी अभी किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया यहाँ से। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने सच्चाई कहा है कि जितने भी चुनाव हुए हैं कभी भी रोहन क्षेत्र के लोगों को मौका नहीं मिला है, तो इस बार ऐसा लगता है कि रोहन क्षेत्र के लोगों को मौका मिलना चाहिए? इस बार मौका जरूर मिलना चाहिए, और कहना जहाँ तक होगा, अगर ऊपर पार्टी वाले लोग विचार करेंगे, जरूर मौका मिलेगा। अवधेश प्रताप सिंह जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जो उपचुनाव में जीते थे, कितने मतों से आप जीत सकते हैं यदि आपको टिकट देती है पार्टी? पार्टी का टिकट देती है जी, तो देखो अब जीत तो अच्छी होगी, मतलब मैं अभी ऐसे आंकड़ा नहीं बता सकता, जीत अच्छी होगी, जो उपचुनाव उससे ज़्यादा वोटों से जीत होगी। अच्छा, हाँ, वजह क्या हो सकती है? वजह क्या, क्षेत्र में लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं उसका करते हैं, और जनता भी अच्छे व्यक्ति को चाह रही है, अपन नए चेहरे हैं। बिल्कुल, हमारे पिताजी भी ईमानदार व्यक्ति रहे हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है, आज भी चाहे भले विरोधी पार्टी का व्यक्ति हो, वो भी तारीफ करता है उनकी, उन्होंने ऐसे काम किए जो आज यादगार हैं। कहीं ना कहीं महंगाओं क्षेत्र की आवाज़ की बात करें तो उन्हें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए और नया चेहरा चाहिए, ये महंगाओं विधानसभा क्षेत्र की मांग है, तो कहीं ना कहीं ये मांग पूरी हो रही है लोगों की? नहीं, अगर संगठन चाहेगा तो मांग पूरी करेगा, संगठन के ऊपर बात वहाँ लोगों ने रखी और मैं भी बात रखूँगा, एक बार हमारे क्षेत्र को मौका मिलना चाहिए। कमलनाथ जी घोषणा कर रहे हैं कि हम 1500 रुपये महिलाओं को देंगे और 5 पावर हाउस का कनेक्शन फ्री करेंगे, किसानों के बिल माफ़ करेंगे, जबकि वर्तमान में सरकार पर 4 लाख करोड़ का अभी कर्ज है, तो कैसे ये पूर्ति करेंगे, आप क्या कहेंगे? नहीं, कमलनाथ जी की घोषणाएं सब झूठी घोषणाएं हैं। देखो, कब कोई अभी पहले 18 महीने सरकार चलाई, कितना विकास हुआ आप बताओ, कितनी घोषणाएं पूरी हुई, भाजपा जो कहती है वो करती है जी। कौन कौन सी घोषणाओं पर अमल हुआ किसके? कमल भाजपा की? नहीं, भाजपा की घोषणाएं क्या, घोषणाएं जो थी आपको तो मालूम होगी सूची, अभी देखो लाडली बहना योजना आई है,
ये तो नई योजना आई है, पहले देखो किसान सम्मान निधि मिल रही है, उज्ज्वला योजना है जो कर प्रधानमंत्री जी की है वो लोगों को मिल ही रही, सिलेंडर मिल रहा है सस्ता। सस्ता कहाँ मिल रहा है, 1200 रुपए का मिल रहा है सर। सस्ता हो जाएगा, बीच में थोड़ा भी कुछ कारण रहा है इसलिए बढ़ गया है, सस्ता मिलेगा। कब मिलेगा? मिलेगा चुनाव के बाद मिलेगा। जनता कह रही है चुनाव के पहले मिलना चाहिए, आप चुनाव के बाद मिले? नहीं नहीं, चुनाव के बाद झूठी घोषणा नहीं होती, चुनाव के बाद मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये आप श्योर है? श्योर पक्का। आप विधायक बने तो ये विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे? नहीं पक्का उठाएंगे, मैं दिलाऊंगा अभी उठाने, क्वेश्चन तो उठाने की बात दूर रही, मैं कहना सस्ता दिलाऊंगा सिलेंडर। अवधेश प्रताप सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, तो किस बेस पर कर रहे हैं, आपका राजनीतिक बेस क्या है? देखो राजनीतिक बेस तो ऐसा है, देखो हमारे पिताजी शुरू से पार्टी में रहे हैं, पार्टी का काम किया, ईमानदारी से काम किया है, उसी तर्ज पे हम चल रहे हैं, हम लोगों के बीच जाते हैं, हम पार्टी का काम ईमानदारी से करते हैं। अभी 2020 का उपचुनाव हुआ था, मैंने गोहद विधानसभा और मैगा विधानसभा में दोनों जगह बड़ी मेहनत की, और कहना थोड़े वोट से अपनी गोहद विधानसभा सीट चुनाव हार गए थे, यहाँ रणवीर जाटव थे प्रत्याशी और OPS भदौरिया जी जो मंत्री हैं इस समय, उनको लिए मैंने चुनाव में अमान क्षेत्र रोहन क्षेत्र में बड़ी मेहनत की, और बड़ी मेहनत के साथ उनको मैंने पूरी कना काफ़ी वोटों से जितवाया उनको। डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह जी, बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जनता इस समय देख रही है, आपके पिताजी जब मिनिस्टर थे तो उनके कार्यकाल के क्या क्या विकास के आयाम बने जो आज भी यादगार हैं? देखो उन्होंने सबसे पहले मऊ में 50 बिस्तर वाला हॉस्पिटल बनवाया, उस समय मध्य प्रदेश में 2 ही हॉस्पिटल बने थे, एक मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवाजी के कुकड़ेश्वर में बना था, एक अपने कानों को रोहन विधानसभा का मऊ में बना था, उसके बाद 30 बिस्तर वाला हॉस्पिटल हमारे बनवाया, उसके बाद रोहन में हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनवाई थी, और कई जगह आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाए थे उस समय, और कई जगह छोटे छोटे अपने जो ग्रामीण इलाके हैं उन्होंने उस समय रोडों मतलब गांव एक गांव से दूसरे गांव मजरे को जुड़वाया था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय लोग गाँव में जा नहीं पाते थे, बैलगाड़ी जाना मुश्किल होती थी, पैदल जाना पड़ता था, उस समय उनने सभी पूरे रोहन क्षेत्र के कहना जितने गाँव पड़ते थे सभी को रोड से जुड़वाया है। वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं OPS भदौरिया जी, इनके क्या विकास के आयाम है, क्या क्या विकास कराया है, बता पाएंगे? देखो OPS जी ने अभी CM राज विद्यालय एक मायनों में खुलवाया है, एक आपका महंगाव में खुला है, और शायद गोरमी के लिए भी प्रस्तावित है, रोन के लिए प्रस्तावित है, और अमायन तहसील जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी उसकी भी उनने जो उपचुनाव हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके बाद उप तहसील जो अमायन में खुल गई है उसमें अभी नायब तहसीलदार और पटवारी वगैरह बैठते हैं, वहाँ केवल भवन बनना बाकी है, वो भी शायद हो सकता है बन जाएगा, टेंडर होना बाकी है जी। तो आप विकास से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? विधायक मैं क्षेत्र की जनता की, देखो हमारे पिताजी हमेशा सेवा करते रहे क्षेत्र की जनता की, मैं भी क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाह रहा हूँ, सेवा के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरे काम के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, छोटी छोटी समस्या रहती है उनकी समस्या दूर नहीं पाती, बेचारे बड़ी जगह पहुंच नहीं पाते, लोगों से कह नहीं पाते, हम लोगों के बीच में हमेशा जाते रहते हैं, उनकी समस्याएं नोट करके लाते हैं, उसके बाद मैं अधिकारी से उनकी समस्या को दूर कराता हूं। सबसे बड़ी समस्या ये हमारे अमायन क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, यहाँ नहर के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि नहर बन जाएगी तो लोगों को खेती अच्छी होने लगेगी जी। बिल्कुल, तो आप का लक्ष्य सबसे पहले आप पानी की तरफ ध्यान देंगे, किसानों को सिंचाई के लिए नहरों में पानी मिलने लगे? जी जी हाँ, मैं सबसे पहले पानी की तरफ ध्यान दूंगा, जो किसान बेचारे कई सालों से वंचित हैं, उनकी सिंचाई पूरी तरह से नहीं हो पाती, किसी के पास ट्यूबवेल है किसी के पास ट्यूबवेल नहीं है, तो सबसे पहले मेरा लक्ष्य यही है, सबसे पहले मैं क्षेत्र के लिए पानी की नहर करवाऊँगा और डैम बनवाऊँगा, और जहाँ अभी कुछ गाँव ऐसे रह गए हैं जिन गाँव में अभी जाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे हमारे पुराना जो रोहन क्षेत्र है उसमें एक बछरौली गांव पड़ता है, वहां बारिश में ये हालत हो जाती है कि अगर कोई अगर व्यक्ति बीमार हो जाता है उसको चारपाई पर ले जाके अमान लाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे एक बिरौना पड़ता है इंद्रुकी के पास, वहां भी जाना मुश्किल हो जाता है, एक अपने बरेठी गांव पड़ता है अमायन क्षेत्र में, वहां भी जाना मुश्किल है, अभी तक सड़क नहीं बनी है। कहा है कि आप लगातार लोगों की समस्याओं को लिखते हैं, उनकी समस्याओं को निराकरण करा देते हैं, आपके ही पार्टी के नेता हैं KP सिंह भदौरिया, वो तो शिकायत कर रहे हैं कि कोई काम नहीं होते तहसील में, कोई अधिकारी सुनता नहीं है, उनकी बहू है जिला पंचायत अध्यक्ष, CO नहीं सुन रहा है उनकी? नहीं CO साहब तो बढ़िया ईमानदार आदमी है, IAS अधिकारी हैं, मैं अभी जब तक गया हूँ मैं 2-3 बार गया हूँ, जो भी काम लेके गए मेरे काम तो हमेशा हुए हैं। अब वो KP सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पता नहीं उनका काम क्यों नहीं हो पा रहा है जी, जी, जी। हाँ। वो भी तमाम पदों पर रहे? हाँ नहीं बराबर रहे हैं, नहीं वैसे वो व्यक्ति बहुत बढ़िया अच्छे आदमी है,
वो समस्या हो सकता है, पता नहीं क्यों हो रहा है, काम नहीं उनके लटक जाते हैं, मेरे काम तो बराबर हो रहे हैं। जबकि वाला इंदुरखी का जो पुल ध्वस्त हुआ है, काम चालू हो गया है, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, मैं इंदुरखी पुल देख के आया हूँ, वहाँ पर इंजीनियर लोग आए थे, उसकी टेस्टिंग कर रहे थे पुल के लिए, और जब बारिश खत्म होती है उसके काम बहुत तेजी से चालू हो जाएगा। कितनी उम्मीद है कि आपको पार्टी टिकट देगी? मेरे को तो उम्मीद पूरी है, मेरे को पूरी उम्मीद है, अब संगठन तय करेगा, संगठन के ऊपर डिपेंड है, संगठन चाहेगा तो हमको देगा टिकट, क्योंकि हमारे पिताजी को टिकट नहीं मिला, 3 बार से मांग रहे हैं, हम भी टिकट मांग रहे हैं, एक बार मौका देना चाहिए हमारे क्षेत्र को, जब भी क्षेत्र का विकास हो पाएगा, अभी क्षेत्र का विकास कम हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति बनता है महंगाओं को बनता है, इधर विकास की तरफ ध्यान कम जाता है, मतलब इधर विकास नहीं कर रही पार्टी, कम होता है विकास, क्या होता है व्यक्ति वहीं क्यों ही रह जाता है, इधर क्षेत्र की तरफ ध्यान कम दे रहा है, जो भी बना है 2008-13-18 से इधर ध्यान कम दिया गया है, पुराने क्षेत्र जो अपना है बहुत कम विकास हुआ, 20% विकास मान लो, 80% विकास उधर ही होता है। तो आज डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, अपने पिता के राजनीतिक बैकग्राउंड को देखते हुए और उनके साथ उनकी उंगली पकड़कर क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार वो सक्रिय रहते हैं और अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता के बल पर वो भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं कि उन्हें महंगाव विधानसभा सीट से उन्हें टिकट मिले। ऐसे में देखना है उनकी पार्टी उनको टिकट देती है कि नहीं देती है, ये तो उनकी पार्टी तय करेगी। फिर भी जो जनता के सवाल थे, जनता के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर भी हमने चर्चा की है। इसके बाद भी आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। धन्यवाद राजा भैया, धन्यवाद। इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत।